Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the contract costing, and we are going to discuss the expected type of the questions which is important from your exam point of view. So today we are going to have a detailed discussion about the type of questions which can be expected, the various varieties which are covered under contract costing. So ye video kafi helpful sare students ke liye hone wala hai, jo log TY BCom se hai, jo logon ne BAF liya hai, jo log BBI के हैं, तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा. और इस वीडियो से मैं आपके सारे बेसिक पॉइंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आ सकते हैं, विच टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, कौन से टाइप में आपको क्या क्या बेसिक चीजें याद रखनी है जिसके वजह से आप अपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना, बिकॉज उससे आपके फ्रेंड्स को भी इससे रिलेटेड बेनिफिट मिल पाएगा. सो काफी सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाइए. सो दिस इज द वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लिटिल प्रॉब्लम्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स. सो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में थ्री टाइप के लेवल्स है जिसके ऊपर हमेशा आपको पेपर में क्वेश्चन देखने मिलते हैं. नंबर वन इज मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर्स, नंबर सेकंड इज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स, और नंबर थर्ड इज एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स, या नंबर सेकंड जो है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर्स, सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हम पहले पॉइंट के ऊपर जाते हैं. पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर्स. मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर्स मतलब आपको एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और आपको अलग अलग नाम के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे. फॉर एग्जांपल हमें कॉन्ट्रैक्ट ए दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बी दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सी दिया जाएगा, और एक ही ईयर का रहेगा. सो एक ईयर के लिए हमें थ्री कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने हैं. इन तीनों लेवल के जो क्वेश्चंस है इसके बारे में हम अगले पॉइंट में देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट में आपको क्या याद रखना है. तो फर्स्ट इज मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर्स. मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली वन ईयर वी हैव टू सॉल्व. देन द सेकेंड पॉइंट इज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स. तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर का मतलब वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बट द कॉन्ट्रैक्ट विल गो फॉर ईयर्स. जैसे कॉन्ट्रैक्ट ए प्रिपेयर करना है फॉर 2013, 2014, 2015. सिमिलरली ईयर्स चेंज होते रहेंगे. तो तीन साल के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करना है उसे हम बोलेंगे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर. चार कॉन्ट्रैक्ट एक ही साल में प्रिपेयर करने उसको हम बोलेंगे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर्स. एंड द थर्ड टाइप विच कैन बी एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. तो फिलहाल यूनिवर्सिटी में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के भी क्वेश्चंस कभी पूछे गए हैं, तो आपको इन तीनों लेवल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज तीनों लेवल के क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. तो आइए अभी डिस्कस करते हैं. बेसिकली फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर्स में आपको कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है और विच are the basic points which will be expected in the question. So if you check the point multiple contract single years, it's very easy variety. So if you get two questions of contract in the paper, yahi level aap solve karna, because isme aapko maximum marks posting ke mil sakte hai, aur ek contract ka dusre contract ke sath koi bhi link nahi hoga, because contract A is totally different and contract B is totally different. So important points which are related with the multiple contract single years are, number one, certified work uncertified closing materials at site will not be transferred to other contract. So most of the students are facing problem, some contract we are transferring work certified, uncertified and closing materials to other contract, but aapko yaad rakhna hai agar contract different hai, jaise contract A hai, contract B hai, to contract A mein jo bhi aapka work certified, work uncertified ya closing materials hoga wo aapko contract B mein transfer nahi karna hai. I repeat, jo aapko work certified, work uncertified, क्लोजिंग मटेरियल्स आपको दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट ए का, वो कॉन्ट्रैक्ट बी में ट्रांसफर आपको नहीं करना है. बट एक एडजस्टमेंट इस टाइप में बार बार पूछा जाता है, दैट इज मटेरियल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट. तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक इजी रूल बताता हूं. अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट ए के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, से फॉर एग्जाम्पल मटीरियल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए टू कॉन्ट्रैक्ट बी, तो आपको एक सिंपल रूल याद रखना है कि जिसने भी ट्रांसफर किया है उसके क्रेडिट साइड में हमें लिखना है. जैसे हमने ट्रांसफर किया, कॉन्ट्रैक्ट ए ने मटीरियल्स
ट्रांसफर्ड किया कॉन्ट्रैक्ट बी को, तो कॉन्ट्रैक्ट ए के क्रेडिट साइड में लिखना है और कॉन्ट्रैक्ट बी के डेबिट साइड में लिखना है। सो यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि कॉन्ट्रैक्ट ए में डेबिट में लिखना है या कॉन्ट्रैक्ट बी में क्रेडिट में लिखना है। तो मैं आपको रूल बता रहा हूं, वही रूल आप याद रखें। आप कोई भी एडजस्टमेंट इस टाइप का आएगा तो वैसे आप लिख सकते हैं, जो भी ट्रांसफर करेगा उसके क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। इफ ए ट्रांसफर्स टू बी, ए के क्रेडिट साइड में लिखना है और बी के डेबिट साइड में लिखना है, और वाइस वर्सा रहेगा तो उल्टा कर देना है। फिर एक एडजस्टमेंट इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में आपको परसेंटेज दिया जाता है, डेप्रिसिएशन इज 20% और 25%। अगर आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया होगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये भी फॉर्मूला से आप डेप्रिसिएशन को काउंट कर सकते हैं। यूजुअली इस टाइप में आपको डेप्रिसिएशन के परसेंटेज दिए जाएंगे, बट अगर डेप्रिसिएशन के परसेंटेज नहीं दिए तो ओरिजिनल कॉस्ट को स्क्रैप के साथ माइनस करके एस्टिमेटेड लाइफ को डिवाइड करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट वैरायटी इज सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स। ये काफी रिस्की लेवल है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया और उसके ऑप्शन में वो पहले वाला लेवल जो अभी हमने डिस्कस किया वो हुआ, तो आप ये वाला लेवल बिल्कुल भी सॉल्व ना करें, वो पहले वाली लेवल को ही सॉल्व करें, बिकॉज उसमें पोस्टिंग के मार्क्स ज्यादा है और एक कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ ज्यादा लिंक नहीं है। बट अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स आता है और आपने अगर फर्स्ट ईयर में कुछ गलती कर ली तो यही गलती आपकी सेकेंड ईयर में कंटिन्यू होगी और थर्ड ईयर में भी यही गलती कंटिन्यू हो सकती है और आपके मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट अस डिस्कस दैट। वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड क्लोजिंग मटेरियल एट साइट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। तो आपको याद रखना है फर्स्ट ईयर का जो भी वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड होगा क्लोजिंग मटेरियल्स होगा वो आपको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट ईयर के डेबिट साइड में। मतलब फर्स्ट ईयर में जो भी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्लोजिंग मटेरियल एट साइट आप लिखोगे उसको आपको ट्रांसफर करना है सेकेंड ईयर के डेबिट साइड में। फिर एक एडजस्टमेंट होता है डेप्रिसिएशन के ऊपर, और ये जो लेवल है इसमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया जाता, इसमें हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं बाय द फॉर्मूला कॉल्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। आपको ध्यान रखना है ओरिजिनल कॉस्ट को स्क्रैप के साथ माइनस करना है, एस्टिमेटेड लाइफ से आपको डिवाइड करना है, देन वी विल बी कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो आपको डेप्रिसिएशन काउंटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट गिनना पड़ेगा कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप सही नहीं गिनोगे इस वैरायटी में डेप्रिसिएशन सही नहीं आएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ्स का है वो आप गिने, देन वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन काउंट होने के बाद उसको हम लिख सकते हैं। अभी प्लांट लिखने के दो तरीके हैं, एक तो आप प्लांट लिखोगे डेबिट साइड टू प्लांट, और एक तो आप प्लांट लिखोगे क्रेडिट बाय प्लांट। बट आप इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, आपको प्लांट डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखना ही नहीं है, आपको सीधा डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में लिखना है, तो दैट बिकम्स एन वेरी इजी लेवल। सो आप अगर 1 लाख डेबिट में लिखोगे 80,000 क्रेडिट में लिखोगे, इसका मतलब है 1 लाख में से 80,000 गया, 20,000 का डेप्रिसिएशन है। उससे अच्छा आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, 1 लाख और 80,000 लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ डेबिट साइड में डायरेक्ट लिखना है टू डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपको फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ प्रॉफिट रिजर्व में जाता है, कुछ प्रॉफिट पीएनएल में जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। तो जो भी प्रॉफिट आपका रिजर्व में फर्स्ट ईयर से ट्रांसफर होगा वो आपके सेकेंड ईयर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। सो इसलिए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर्स थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड इफ यू कमिट सम सिली एरर इन फर्स्ट ईयर आपका 100% सेकेंड ईयर में वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होगा। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व करते वक्त थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज द एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द इजी कॉन्ट्रैक्ट। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी आजकल पेपर में पूछा जा रहा है। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में आपको करना क्या है, हम एक साल के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो देर आर टू अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर्ड, वन इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड अनदर इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट या मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बोला है, बिकॉज मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस विच आर प्रीवियसली एंड द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस विच वी आर एस्टिमेटिंग। तो आपको डायरेक्ट मटेरियल, समझो डायरेक्ट मटेरियल दिया है कॉन्ट्रैक्ट में दिया है 1 लाख और एस्टिमेटेड है 2 लाख, तो आपको जब मेमोरेंडम बनाएंगे तब 2 लाख और 1 लाख को प्लस करके, इट्स अ कॉम्बिनेशन, तो हम लोग उनको प्लस करके एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखेंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी एडेड इन मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट यहां ढूंढना पड़ता है।
एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा मेमोरेंडम में, वही प्रॉफिट लेके आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला यूज करके उसमें से प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट में यही एक बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट एंड देन वी कैन क्लोज द फर्स्ट अकाउंट विच इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब देर आर सर्टन रूल्स फॉर एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कुछ प्रॉफिट है जो प्रॉफिट आपको मिलेगा जिसको हम नोशनल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में या रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए देर आर सर्टन रूल्स। तो रूल नंबर वन, अगर आपका लेवल ऑफ कंप्लीशन को बुक्स में परसेंटेज ऑफ वर्क डन भी बोला जाता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर हम वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करें, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें परसेंटेज में आंसर आएगा। वो जो परसेंटेज का आंसर होगा, वो परसेंटेज का आंसर अगर आपका 24% तक है, मतलब अप टू 25%, दैट इंडिकेट्स 24% तक, तो अगर आपका 24% तक है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एलओसी, जिसे लेवल ऑफ कंप्लीशन या परसेंटेज ऑफ वर्क डन भी बोला जाता है, वो अगर आपका 25% से लेके 49% तक होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सो आपको 25% से लेके 49% के बीच में कहीं आंसर मिलता होगा तो आपका फॉर्मूला में 1/3 आ जाएगा। और अगर आपका एलओसी या परसेंटेज ऑफ वर्क डन 50% से ऊपर चले जाएगा तो आपको फॉर्मूला में याद रखना है 2/3 यूज करना है। फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है, सिर्फ 1/3 निकाल के 2/3 लिखना है, बाकी पूरा सेम रहेगा। इस बेस पे जो भी आपका आंसर मिलेगा, दैट आंसर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस आंसर, और उस बेस पे बाकी का जो डिफरेंस बचेगा वो आपका रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। यही कुछ बेसिक चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चंस तो काफी सारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, अगर आप इनमें फोकस करो तो आपके सारे वैरायटीज क्लियर हो जाएंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ही पूछा जा सकता है, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखे। और इस पे काफी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने इस वीडियो के बेसिस पे डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और टेलीग्राम में मैंने एक चैनल बनाया है लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम, आप उसको ज्वाइन करें। वहां पे मैं पीडीएफ्स, ऑडियो और लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड पॉइंट्स को शेयर करते रहता हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।